अल्ट्रासाउंड में ना डॉक्टर ने तो आज कुछ बताया नहीं, दूसरे उन्होंने बोला कि जाके रिपोर्ट दिखा देना डॉक्टर को। तो एक ना दिमाग में टेंशन सी हो गई है कि क्या है क्या नहीं। तो अभी अगर डॉक्टर बैठी होगी तो अल्ट्रासाउंड के बाद सीधा हम डॉक्टर नूपुर के पास जाएंगे चेकअप कराने के लिए। 16 तारीख को बुलाया था उन्होंने। तो फिलहाल हमने चीकू को भी ले लिया अपने साथ, क्योंकि चीकू ने बोला था मामा मुझे भी लेके जाना, तो उसके कपड़े अपने चेंज कराए और हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल गया अल्ट्रासाउंड के, वो भी हॉस्पिटल ही होता है, तो बस वहाँ निकल गए हैं, पहुँचने वाले हैं। 1:30 बजे बुलाया था अभी। जल्दी आओ। गोलू की जो है पल्सरेट हार्ट बीट नहीं पल्सरेट और ज्यादा है, मेरी भी ज्यादा थी लास्ट टाइम, तो चेक कर रहे हैं। उसके बाद थैंक गॉड कि निपुर मैम है और निपुर मैम को रिपोर्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि एक डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इसका बीपी चेक हो रहा है, बीपी तो नॉर्मल आएगा। तो हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि पायल और कृतिका जी आ गई हैं हॉस्पिटल में, जहाँ इनका अल्ट्रासाउंड होने वाला है। तो यहाँ पे इनको डॉक्टर ने बोला है कि ये अल्ट्रासाउंड करा लें, और इनकी जो है अब टाइम आ गई है डिलीवरी की, तो कभी भी हो सकती है डॉक्टर ने बोला, जिसके लिए कृतिका जी को ब्लड टेस्ट भी करवाने के लिए बोला। तो उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है और दोनों के ही अल्ट्रासाउंड हुए हैं, तो काफ़ी सब ठीक है। और डिलीवरी की डेट भी कृतिका जी को दे दी गई है कि मतलब 13 अप्रैल के आगे ही, पहले ही उनकी डिलीवरी हो सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इनकी डिलीवरी के लिए ज़रूर बताइएगा, और कितने खुश हैं ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। और बाकी सब ठीक है, मैं प्रेयर करती हूँ कि इनके बच्चे काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ और अच्छे से इनकी डिलीवरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।